श्री सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय और जगतगुरु भगवान श्री तुकाराम जी भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज हमारा परम सौभाग्य है, देहू गांव में हम जो है संत श्री जगतगुरु भगवान तुकाराम जी महाराज के दर्शन करने आए। यहाँ के संपूर्ण ट्रस्टी एवं तुकाराम महाराज जी के संपूर्ण वंशज जो पालकी लेकर के जाते हैं, पालकी सेवा करते हैं, यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, बहुत हृदय भाव के साथ समूचे यह परंपरा का, वारकरी परंपरा का दर्शन करवाया, मंदिरों का दर्शन किया और संत तुकाराम भगवान की वह शिला का हमने दर्शन किया जिन्होंने अपने तप बल के आधार पर जो रुद्राणी नदी है बगल में, इंद्राणी नदी है, उसमें जब प्रवाहित कर दिए थे अभंगों को तो उन्होंने अपने तप बल के आधार पर उनको ऊपर करवा दिया था, बिना जल स्पर्श हुए, बिना गीले हुए। यह हमारे संतों की परंपरा। हमारा भारत अद्भुत देश है और हम तो यही कहना चाहेंगे कि इन संतों का आशीर्वाद अगर बना रहा तो समूचे महाराष्ट्र से छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का जो हिंदू स्वराज्य की स्थापना का संकल्प था पूरे भारत में गूंजेगा और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। यही हमने अर्जी आकर के लगाई। आज गलती कैसे हुआ वो जो पिछली बार पढ़ा? हमने देखिए उसमें ऐसा था कि हमने एक लेख पढ़ा था, उस लेख के आधार पर बोलने की भाषा है। हम कभी भी उसके पूर्व में भी हम आ चुके थे महाराष्ट्र, संत तुकाराम भगवान के बारे में जानते, संत ज्ञानेश्वर महाराज के जितना समझ है, जितना पढ़ पाया, कभी हमने किसी संत को नहीं बोला। वो तो समझ नहीं पाए, हमारी पढ़ने में रहा और बोलने की एक लोकल भाषा का एक प्रभाव होता है, तरीके होते हैं समझाने के, कोई शक्कर कहता है, कोई शुगर कहता है। तो निश्चित रूप से हमने उस भाव को स्वीकार किया कि हमारे कारण वारकरी संप्रदाय एवं भगवान जगतगुरु भगवान तुकाराम महाराज को मानने वाले लोगों के हृदय में जो ठेस पहुंचा, निश्चित रूप से हमारे द्वारा वह त्रुटि रही होगी, उसको हमने सुधार तत्क्षण किया था, वीडियो के माध्यम से भी किया था। और हम आपको बता दें, आचार्य परंपरा के साधक हैं और कोई भी महात्मा परंपरा का आदमी किसी संत का विरोध करे वो संत का शिष्य हो ही नहीं सकता। विरोध किसी संत का कोई व्यक्ति करे शिष्य तो वो संत का चेला हो ही नहीं सकता। और हम भारत हिंदू राष्ट्र के लिए निकले हैं और अपने ही संतों की महिमाओं का मनन करने की बजाय अगर विरोध करेंगे या कोई ऐसी अनर्गल बातें बोलेंगे तो ये जो दूसरे पश्चिमी सभ्यता वाले हु अल्लाह वाले हैं ये तो फिर प्राण ही खा जाएंगे। इसलिए हमने संत तुकाराम महाराज के समूचे वारकरी संप्रदाय के लोगों से हाथ जोड़ करके खेद भी व्यक्त किया था और पूरा परिकर बहुत अच्छा है, व्यवस्था बहुत अद्भुत, यहाँ की प्रशासन व्यवस्था बहुत प्यारी, सबको बहुत बहुत साथ हुआ। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अद्भुत, प्राचीन है, अद्भुत है। कभी ठाकुर जी ने चाहा जगत गुरु तुकाराम महाराज की कृपा हुई, हम भगवत चर्चा भी सुनाएंगे। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।